नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रावस्ती में जिला पंचायत रिसोर्ट सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम परिवार नियोजन आवाहन मेले का जिला अधिकारी नेहा प्रकाश और साथ ही मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में डीएम और सीडीओ ने परिवार के नियोजन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाली आशा बहुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही जिला अधिकारी कार्यक्रम में कहा है कि संख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, जिससे बच्चों की अच्छी परवरिश की जा सकती है। बड़ा परिवार होने से गरीबों के चक्कर में जो फंसे रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक एनजीओ हमारे जिले में दो विकास खंडों में और सिरसिया और साथ ही जमुना में अपनी मुहिम चलाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक कर रही है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए अस्पताल के माध्यम से कई सुविधाएं जरूरतमंद निःशुल्क सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। जिले में माता शिशु और मृत्यु दर अन्य जिलों की तुलना में अधिक है, जो कि चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। झांसी में खुजराहो राष्ट्रीय राजमार्ग में गलत दिशा में वाहन चलाता चालक को उस समय भारी पड़ गया जब किसी बड़े वाहन की चपेट में आने से कार दुर्घटना का वो शिकार हो गया। तो वहीं पुल को रेलिंग बता दें कि पुल की रेलिंग पर अनियंत्रित होकर चल रहा था और साथ ही जानकारी के मुताबिक झांसी के खुजराहो की ओर जाने वाली सड़क पर पहाड़ी बांध पर आने जाने वालों के लिए अलग अलग पुल का निर्माण कराया गया है। तो वहीं मऊरानीपुर से छतरपुर की ओर जा रहे एक कार जो कि विपरीत दिशा में बनाए गए पुल में चल रही थी, वहीं देर रात किसी बड़ी वाहन की चपेट में आ जाने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, दुर्घटना का शिकार हो गई है। रायबरेली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से एक दलित की झोपड़ी में आग लग गई। जानकारी होने पर बता दें कि ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास करने की तमाम कोशिश की है, लेकिन आप तस्वीर देखिए किस तरीके से झोपड़ी धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है और ग्रामीण लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इसको लेकर ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की है, उसके बाद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हल्का लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की है। घटना में लगभग 50,000 से अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसे सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। रायबरेली के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव गुरुदीप खेड़ा में महिला ने आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदर अवगत कराना है कि आज दिनांक 8 फरवरी 2023 समय करीब 7 बजे पिंकी पत्नी स्वर्गीय राजेश उम्र करीब 36 वर्ष निवासी गुरुदीप खेड़ा मजरे कुंडली थाना बछरावा ने अपने घर पर कुंडी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते ही थाना बछरावा टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। परिजनों द्वारा सूचना फौती दर्ज कराई गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानूनी व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस लाइन चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने नशे में धुत दो पल्सर बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, वहीं एक की गंभीर चोट आई है। विवेक कुमार और सुनील कुमार दोनों युवक मटिहा के रहने वाले हैं। दरअसल युवक निमंत्रण करके घर वापस आ रहे थे, तभी पुलिस लाइन चौराहे के पास मुड़ने पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। झांसी में धोखाधड़ी का एक अनोखा और बेहद शातिराना मामला सामने आया है, जिसमें कानपुर के डीलर टाटा एक्सेल बता दें कि व्हीकल द्वारा लाखों रुपए नए
ट्रक के मूल्य के रूप में वसूल लिए गए हैं, लेकिन बदले में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक थमा दिया गया है। इस फ्रॉड का शिकार हुए झांसी के व्यापारी ने इसकी शिकायत कंपनी में की है, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। फ्रॉड का शिकार हुए व्यापारी ने अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के शरण में जाते हुए कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। और लगातार फ्रॉड का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए अब इस मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। और आगे बढ़ते हैं, रायबरेली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र दिया है, जिसमें बुजुर्ग किसान सीताराम बता दें कि संत राम द्वारा चौकी इंचार्ज मुखदुमपुर अनिल यादव और दीवान गोलू पांडे पर आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीन पर जबरन निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका सिविल कोर्ट रायबरेली में वाद दायर किया गया है, जिसपे कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन उसे बावजूद दरोगा अनिल यादव द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही विरोध करने पर चौकी प्रभारी अनिल यादव द्वारा मारपीट की गई है, साथ ही गालियां भी दी गई है। और इस दौरान उनका ये कहना है कि मुझे और मेरे पुत्र को जेल भेजने की वे लगातार धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। बागपत में एक शादी समारोह में मारपीट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शादी समारोह के दौरान पनीर को लेकर भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते लात घूसों के साथ बेल्ट भी चलने लगे। मौके पर मौजूद भीड़ से ये वीडियो शूट कर वायरल किया गया है, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बागपत शहर में एक बारात आई थी और यहाँ पर पूरा वाक्या हुआ कि ज़्यादातर लोग नशे में थे और आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब एक दर्जन बारातियों को पकड़कर हवालात में बंद करवाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सभी को छोड़ दिया गया और दोनों पक्ष में समझौता हो गया, जिसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब खबर झांसी से है, जहां पर अपराधियों को अवैध हथियार तस्करी को लेकर घने जंगल में चलाई जा रही हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से नवनिर्मित और नई निर्मित तमंचा को बरामद करने के साथ साथ हथियार बनाने वाली भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किया है। बता दें कि घने जंगल में चल रहे इस फैक्ट्री के भंडाफोड़ होने के बाद से झांसी पुलिस को कई और अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों असलहा तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। झांसी में मोड़ थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व हुए किसान धीनराम कुशवाहा की हत्या को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी राजेश एस ने बताया है कि मृतक की पत्नी बबीता ने प्रेम संबंध उसके मायके बता दें कि बलवान यादव से थे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता रहा। झगड़े के परेशान होकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत प्रेमी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर धीनराम की गला घोट कर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि झांसी का ये पूरा मामला, जहां पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही बता दें कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरदोई में ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद से आमने सामने टक्कर में 2 लोग की मौत हो गई है। वहीं हादसे में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कटरा बिलहौर हाईवे मार्ग के सवाईपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बता दें ये पूरा मामला हरदोई का, जहां पर बता दें कि ऑटो की टक्कर हो गई है, और साथ ही बता दें ऑटो और बाइक की जोरदार भिड़ंत में घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही 2 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही बता दें कि ऑटो और बाइक की यहाँ पर काफ़ी जोरदार भिड़ंत हुई और इस दौरान प्रशासन अब
भिरन होने की क्या कुछ वजह है और साथ ही और भी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें आपको कि इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में किठौर झिड़ियो संपर्क मार्ग पर नर्सरी में कार्य करने जा रहे 2 बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार पानी के कैंटर ने रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही किठौर पुलिस और मृतक के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मेरठ की है, जहां पर बता दें कि बाइक सवार दोनों युवक को मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार पानी के कैंटर ने इस दौरान टक्कर मारी है, जिसकी वजह से ये मौत हो गई है। और मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के किठौर झड़ियों संपर्क मार्ग नर्सरी में कार्य करने आ रहे 2 बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार पानी के कैंटर ने रौंद दिया है। श्रावस्ती, जो कि भारत और नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है और नेपाल और श्रावस्ती में खुली सीमा होने की वजह से आरज तत्व के साथ ही मानव तस्करों और साथ ही बता दें कि मादक पदार्थ, अवैध तमंचे आदि के आयात निर्यात पर अंकुश लगाने और सीमा क्षेत्रों पर पारदर्शिता के साथ निगरानी करने के लिए श्रावस्ती पुलिस ने ऑपरेशन कवच अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक प्राचीर सिंह की अध्यक्षता में SSB के द्वारा 42B विहिनी जमुनहा में, ये बता दें कि सिरसिया थाना क्षेत्र के राजपुर मोड़ पुलिस चौकी पर ऑपरेशन कवच का शुभारंभ किया गया है। और बता दें कि श्रावस्ती का ये पूरा मामला, जहां पर बता दें कि इस दौरान किस तरीके से जो अब अवैध चीज़ें बढ़ रही है उसको लेकर प्रशासन की ये मुहिम, जहां पर ये बता दें कि ये जो श्रावस्ती है ये भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है, जिसको लेकर यहाँ पर अवैध तरीके की काफ़ी काम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानव तस्करी हो गया, मादक पदार्थ, अवैध तमंचे आदि जो काम है इसको देखने को मिलते हैं, आयात निर्यात काफ़ी होते हैं। इसको लेकर इसको अंकुश लगाने की लगातार निगरानी की जा रही है। श्रावस्ती पुलिस की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है, ऑपरेशन कवच अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह की अध्यक्षता में SSB की 42B वाहिनी जमुनहा में और साथ ही सिरसिया थाना क्षेत्र राजपुर मोड़ पुलिस चौकी पर यह ऑपरेशन कवच की शुरुआत की गई। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कैंसर पेशेंट को देखने जा रहे शिफ्ट गाड़ी सवार 2 को एक्सीडेंट हो गया है। 2 लोगों की एक्सीडेंट हो गई है और इस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इस दौरान गाड़ी के परखच्चे भी उड़ गए हैं। वही हादसा अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित मोराना गांव के पास का बताया जा रहा है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना दुख प्रकट करते हुए नजर आए हैं। और बता दें कि ये अलीगढ़ का पूरा मामला, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है, ये भीषण सड़क हादसा और साथ ही गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए। शिफ्ट गाड़ी थी जिसमें जो एक्सीडेंट का शिकार हुई है और साथ ही बता दें कि इसमें 3 लोग सवार थे और 3ों की ही मौके पर मौत हो गई है। इस दौरान गाड़ी के आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित मोरानी गाँव के पास का ये पूरा मामला है। ये लोग एक कैंसर पेशेंट हैं, उनको देखने जा रहे थे और इस दौरान ये जो भीषण हादसे का ये गाड़ी शिकार हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर अपना दुख प्रकट करते हुए नजर आए हैं। वही फर्रुखाबाद में मनचले युवक के पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां मनचले युवक ने कोचिंग जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया है। दरअसल मनचले युवक ने भरे बाजार में बता दें कि छात्रा से उसका मोबाइल नंबर मांगा है, जिसके बाद आप तस्वीर में देखिए
इससे ही साफ होता है कि छात्रा कितनी गुस्साई हुई है और किस तरीके से मनचले युवक को पीटती हुई नजर आ रही है। गुस्साए छात्र छात्राओं के साथ मिलकर मनचले युवक को बीच रोड पर रात में बता दें कि जमकर इसकी पिटाई की गई। छात्रों द्वारा मनचले युवक की पिटाई करते हुए वीडियो बनाया गया जिसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है जहाँ पर मनचले युवकों को बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है। खुले बाजार में ये एक छात्रा से उसका नंबर मांगते हुए नजर आया था जिसके बाद से छात्रा ने सभी के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मनचले युवक की जमकर पिटाई की है और जब प्रशासन ही कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसे ही लड़कियों को आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ के खुद ही कार्रवाई करनी होगी क्योंकि देखिए किस तरीके से इन मनचलों को बिल्कुल भी प्रशासन का खौफ नहीं होता है। क्यों उस वक्त बाजार में कोई प्रशासन का मौजूद नहीं थे, इस तरह की घटना होने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जमीनी स्तर पर प्रशासन नहीं पहुंचा जहां ये मामला हुआ है और इस दौरान गुस्साई छात्रा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनचले की खूब जमकर पिटाई की है। और बता दें कि कोचिंग जा रही थी छात्रा इस समय, इस मनचले युवक ने उसका नंबर मांग लिया जिसके बाद से गुस्साई छात्रा ने उसकी जमकर पिटाई कर दी है। और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और साथ ही इस मामले को लेकर वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियो बना लिया और जमकर अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब खबर मैनपुरी से है जहां पर किशोर की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें आपको कि युवक का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि युवक दो दोस्तों के साथ घर से निकला हुआ था और मृत युवक जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज कुपरावली निवासी है और इनका नाम साहिल बताया जा रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना घिरौर क्षेत्र के गांव करुखेड़ा के पास का बताया जा रहा है लेकिन इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और बता दें कि इस युवक का शव सड़क किनारे मिला जिसके बाद से पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इस युवक की हत्या हुई तो कैसे हुई, क्योंकि मैनपुरी का ये पूरा मामला है और पुलिस को ये शंका है कि इस मामले को लेकर युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है और साथ ही इस मामले की पूरी पुलिस जो है बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और साथ ही युवक का शव जब सड़क किनारे मिला तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक युवक जनपद फिरोजाबाद थाना के सिरसागंज कपड़ावली निवासी साहिल बताया जा रहा है। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लगातार परिजन जो है उसके दोस्त पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मृतक युवक के दोस्त पर, जिसको लेकर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और साथ ही बता दें कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही थाना घिरौर क्षेत्र के गाँव करुखेड़ा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।